महासमुंद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किसान पद यात्रा निकाली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ निकली पद यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस ने तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसलिए नहीं मान रही है कि केंद्र सरकार की नीति निर्धारण जो है अडानी अंबानी कर रहे हैं, और आज़ादी के बाद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि अब किसान खेती से बाहर होंगे और अडानी अब खेती करने आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देश को लूटने की साजिश है। आप देखे होंगे जब भी कोल्ड स्टोरेज में खाद्य सामग्री जाम होती है तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ती है, जिसके लिए भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी, एक निश्चित मात्रा के ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते, तो व्यापक रूप से भंडारण का छूट दिया गया है। और भंडारण के चलते भंडारण के लिए नागपुर में अडानी ग्रुप का गोडाउन बनना चालू हो गया है। बिल आने के पहले गोडाउन का निर्माण हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि इस कानून को पूरी खाका तैयार करने वाला केंद्र सरकार केवल और केवल इसको पारित की है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए हैं, कृषि बिल जो पारित किया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने पद यात्रा निकाली है। सब किसान हैं, कांग्रेस जन हैं, और कांग्रेस जन किसानों के सम्मान में, अन्नदाताओं के सम्मान में खड़ी है। आज दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, और दिल्ली के आंदोलन में जो केंद्र की सरकार है वो बिल्कुल आंख मूंद कर सोई हुई है, और हमारे अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। जो 3 कृषि कानून जो लागू किया गया है, उसमें मैं बताना चाहूंगी कि वो कहीं भी किसी भी तरीके से किसान के हित में नहीं है, और उसको वापस लेने के लिए आज हम लोगों ने कस्तूरबा ट्रस्ट बेलसुंडा से लेकर आज जिलाधीश कार्यालय तक हम लोगों ने पद यात्रा की है। और इसमें पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता, चारों विधायक, हमारे आदरणीय सभी जिला पदाधिकारी और हमारे सभी कांग्रेस जन, सारे किसान, सारी बहनें हमारी इसमें शामिल हुई है। केंद्र सरकार की जो एक शर्मनाक कानून, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसको समाप्त कर दिया है, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री, तेल, दाल, चावल को आवश्यक वस्तु नहीं माना, और इसलिए उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम से समाप्त कर दिया गया, जिसको हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसने 2 दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मंडी एक्ट में संशोधन किया। और